everyone, welcome to An Academy, and yes, we are back with another chapter. And also, you can get your Plus subscription now, and you can use my code to get 10% off on any subscription you want. Okay, so yes, you can ace your school exams with An Academy, and ma'am is back with another chapter, that is chapter number 7. We have already done chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we are going to do chapter number 7. Also, we'll do 8 and 9. Don't worry, one shot revision hoga sare chapter ka. So let's start and shuru karte hai bina kisi deri ke. My name is Smriti. I am your science educator on this channel. Welcome to the channel. I hope you have subscribed this new channel. For all the updates, you have to subscribe the channel also, and you have to hit the bell icon for all the notifications. Now, my introduction. Jaise ki maine bola, main aapki science educator hu, and मैंने मास्टर्स कर रखी है इन केमिस्ट्री एंड माई बैचलर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड यस, यू हैव ऑलरेडी हर्ड माई कोट, दैट इज SM राणा. एंड आज हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. ओके, सो वेदर क्लाइमेट की तो हम बात करेंगे आज. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ सम फ्यू एनिमल्स. कुछ एनिमल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे. इस चैप्टर में है क्या कि कुछ एनिमल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बता रखा है, मतलब जो भी अलग अलग आपकी स्पीशीज होगी उनमें से कुछ का आपको बहुत स्पेसिफिक दे रखा है कि इनकी अडेप्टेशन क्या है अलग अलग एनिमल्स को लेके. एंड वेदर क्लाइमेट की भी बात करेंगे, व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट, राइट. तो इन सब की हम बात करेंगे. आई होप आपके सारे डाउट्स हैं चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते इस वन शॉट में सारे ख़त्म हो जाए. फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. मैम पक्का रिप्लाई करेंगे, ठीक है. ओके, सो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 से. एंड यस, इंट्रोडक्शन होगा पहले तो, फिर क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, जितने भी डिटेल्स जितने भी फैक्टर्स आपके क्लाइमेट से रिलेटेड, विल टॉक अबाउट दैट. देन विल मूव ऑन टू योर वेदर, देन अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन ऑफ फ्यू एनिमल्स किसी भी क्लाइमेट के थ्रू कैसे वो सर्वाइव करते हैं, एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर प्रेशर एवरीथिंग, अलग अलग हैबिटेट्स. यस, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अडेप्टेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ फ्यू एनिमल्स. ओके, देन वी हैव ऑल द एग्जांपल्स थ्रू आउट. हम जब भी चैप्टर कर रहे होंगे विल टॉक अबाउट एनी डेफिनेशन, हम एग्जाम्पल की बात जरूर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. यस, सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली विल स्टार्ट विद वेदर. सबसे पहली चीज़ हम वेदर के बारे में बात करते हैं, और वेदर आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है. लाइक मेरे एरिया में काफ़ी बारिश हो रही है अभी. सो यस, काफ़ी थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी एंड थोड़ा बहुत रेनी सीजन चल रहा है अभी. सो वेदर इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ्स इन डिफरेंट वेज. वी समटाइम्स फील सो हॉट इन समर सीजन, वी फील सो कोल्ड इन विंटर सीजन, एंड वी आर फीलिंग ओके नॉर्मल राइट नाउ इन रेनी सीजन. तो यस, अभी हमारा जून जुलाई चल रहा है एंड इट इज़ योर रेनी सीजन, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है. सो यस, आपका वेदर अलग अलग इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे, है ना. जैसे आपको समर सीजन में बिल्कुल ही गर्मी लग रही थी अभी, है ना, अब बिल्कुल रेनी सीजन आ गया, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है अब आपको. एंड देन विल हैव योर विंटर सीजन आ जाएगा इतनी जल्दी, हम सोचेंगे भी नहीं, और विंटर सीजन आ जाएगा आपका इतना जल्दी, तो उसमें हमें काफ़ी ठंड लगती है, राइट. ये सब मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं आपको क्या फील होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर वेदर. वेदर टर्म की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ चेंजिंग हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन एक आपको एक ट्रेंड दिख रहा है. आफ्टर 15 डेज यू सी वेदर क्या, वेदर फोरकास्ट क्या है. लाइक अभी रेनी सीजन था, आने वाला था, एंड वी वर लाइक कब आएगा, कब आएगी बारिश, कब आएगी, वी आर फेड अप विद दिस गर्मी हर दिन की. सो एवरीबडी वॉज लाइक बारिश कब आएगी. सो हर कोई क्या चेक कर रहा था, वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था. हर कोई क्या चेक कर रहा था, आपका वेदर फोरकास्ट चेक कर रहे थे फ़ोन से, लैपटॉप से. एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉर द वेदर कि इस हफ्ते बारिश होगी नहीं होगी, राइट. सो द थिंग इज़, वेदर फोरकास्ट आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक का ही बता पाते हैं. लाइक एक हफ्ते में क्या ट्रेंड चलेगा, 15 डेज का क्या ट्रेंड रहेगा आपके वेदर का. एंड इट इज़ चेंजिंग विद टाइम. वेदर आपका बार बार इट इज़ चेंजिंग, राइट. सो वेदर इन्फ्लुएंसेस आवर लाइव्स, इट इज़ ट्रू. ड्यूरिंग समर वी स्विच ऑन द फैंस, वी कीप आवरसेल्फ्स कूल, राइट, वी यूज़ लाइट कलर क्लोथ्स. आपने नोटिस किया होगा गर्मी में क्या हो रहा है आपका, गर्मियों में आप बहुत हल्के कपड़े पहनते हो बिकॉज वो गर्मी नहीं एब्जॉर्ब करते. आपके जितने लाइट कलर्स वाले होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब द हीट, और जो डार्क कलर वाले क्लोथ्स होते हैं ना, लाइक ब्लैक, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, वो बहुत ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं कलर्स, ठीक है. कलर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितनी नहीं है उनकी एब्जॉर्प्शन, बट यस, जितने डार्क कलर वाले होते हैं आपके क्लोथ्स वो बहुत ज़्यादा
हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं गर्मियों में डार्क कलर क्लोथ्स पहनने। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट योर विंटर सीजन, उस टाइम वी नीड हीट, वी नीड आवर क्लोथ्स टू एब्जॉर्ब दैट हीट, सो ब्लैक, ब्लू, ये सब हम यूज़ करते हैं विंटर सीजन बिकॉज वी नीड दैट हीट। ओके, मूविंग ऑन, ड्यूरिंग द विंटर वी यूज़ डार्क कलर क्लोथ्स एंड रैप आवरसेल्व्स इन अ वार्म क्लोथ्स, हम इतने सारे ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, राइट, टू कीप आवरसेल्व्स वार्म, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड एनवायरनमेंट। नाउ दिस इज आवर रिएक्शन टू समथिंग, जैसा वेदर हो रहा है उस हिसाब से हम रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे हमारे बॉडी की नीड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बोल रही थी कि वेदर फोरकास्ट जब हम देखते हैं इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट, सो लाइक अभी कितना है, अभी इट्स 35 degrees Celsius, है ना, मे बी कल और कम हो जाए, ठीक है, क्या पता सर्दियाँ आते आते और ड्रॉप हो जाए, तो वेदर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, सो वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, इट कैन बी एनीथिंग, सी इट कैन बी एनीथिंग, डे आफ्टर डे भी हो सकता है और वीक आफ्टर वीक भी हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है, वेदर फोरकास्ट जो हम बोलते हैं वो कई बार नहीं भी होता है ना, इफ आई से कि कल पक्का बारिश होगी, मे बी हो मे बी ना हो, बट इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर अराउंड आवरसेल्व्स, इट इज चेंजिंग, ठीक है, इट इज चेंजिंग, सो इट कैन चेंज डे बाय डे और इट कैन चेंज ऑल्सो वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ, ठीक है, बस का ड्यूरेशन लंबा नहीं रहता, वेदर का कभी भी ड्यूरेशन लंबा नहीं रहता, ठीक है, इफ आई कंपेयर इट विद क्लाइमेट, मैं कंपेयर नहीं कर सकती टाइम को, बिकॉज क्लाइमेट एक बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है एंड वेदर इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। सी इट इज रिटन डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, दैट इज प्रिटी शॉर्ट, टाइम पीरियड का जो गैप है इट इज वेरी शॉर्ट, है ना, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट मे वेरी ओवर वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक आर टू आर भी हो सकता है, लाइक अभी गर्मी हो रही है क्या पता बारिश हो जाए, दैट इज योर वेदर, ठीक है, सो द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर पर्टिकुलर, यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर अराउंड यू, दैट इज अ ब्लैंकेट अराउंड अस, ठीक है, इट इज द स्टेट, किस स्टेट में अभी आपका एटमॉस्फेयर करेंटली किस स्टेट में है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज चेंजिंग डे बाय डे, आर बाय आर, वीक बाय वीक, दैट मींस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन, राइट, सो यस द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज विद फ्यू फैक्टर्स ऑल्सो, हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, क्या वेदर चेंज क्यों होता है, वेदर किस में चेंज हो रहा है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा ड्राई, ह्यूमिडिटी, हीट, राइट, इन फैक्टर्स पे ही मैं बेसिस पे ही बोलती हूँ कि वेदर चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, रेनी, सनशाइन, राइट, दीज आर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि वेदर इज चेंजिंग आर बाय आर और डे बाय डे और वीक बाय वीक, ठीक है, सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल द थ्री पॉइंट्स, फर्स्ट the state of atmosphere, second I said कि place and time, and third was all the factors जो आपके थे, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, all the factors, तो ये तीन चीज़ें मैंने definition में add करी है weather की, it is a state of atmosphere at a particular place, at a particular time, with respect to your heat, wind, cloudiness, dryness, sunshine, wind, everything, okay? So yes, this is the particular definition of your weather. Okay, now you know कि weather जब मैं measure कर रही हूँ, like weather forecast आपका पहले ही बता देता है कि क्या possibility है next एक हफ्ते में क्या होगा, right? So जो आपका weather forecast होता है वो troposphere का weather के हिसाब से बोल रहा होता है. We all know there are different layers of atmosphere, हमने 6th class में ही पढ़ा है. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, there are like 5 layers of atmosphere. जो आपका वेदर है वो यहीं तक का मेजरमेंट होता है. ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रैटोस्फेयर, देन वी हैव मीजोस्फेयर, देन वी हैव योर थर्मोस्फेयर, देन वी हैव योर एग्जोस्फेयर जो बिल्कुल मीट करता है आपकी आउटर स्पेस से. ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट मार्क दिस, दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर जो कि जिसकी बात कर रही हूँ, जो वेदर डिसाइड कर रहा है, जो क्या कर रहा है आपका वेदर
डिसाइड कर रहा है. ओके, सो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वेदर आपका जहाँ मेजर हो रहा है दैट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, दैट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर ऑफ योर एटमोसफेयर. ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर वेदर. ओके, एनीथिंग एल्स? यस, इतना ही मेरे को आपको बताना था वेदर के बारे में. लेट्स मूव ऑन टू एलिमेंट्स ऑफ वेदर. क्या क्या वेदर एलिमेंट्स की जो मैं बात करती हूँ, आई एम सेइंग कि वेदर को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है. अगर वेदर को मेरे को चेंजेस लाने हैं तो किन फैक्टर्स पे चेंजेस आ रहे हैं. इफ आई एम सेइंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, देन आई एम सेइंग वेदर चेंज हो रहा है. इफ आई एम सेइंग विंड, तो विंड से भी फर्क पड़ रहा है उसको. देर आर सो मेनी फैक्टर्स, एयर प्रेशर, विंड, टेम्परेचर, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, इनमें जब चेंजेस आते हैं ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर्स? फैक्टर्स का पढ़ने का मतलब ही ये है कि जब फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं देन वी से कि वेदर में भी चेंजेस आए. ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक या यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ठीक है, जो कि वेदर में चेंजेस लेके आते हैं, तभी हम कहते हैं कि वेदर हैज चेंज नाउ. ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर और यू कैन से द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर वेदर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तभी आपका वेदर भी चेंज होता है. सो द वेदर इज मेनली अफेक्टेड बाय द सन दैट प्रोड्यूसेस हीट रेज द टेम्परेचर. नाउ वी ऑल नो कि जब हम समर सीजन के आसपास बात कर रहे हो, तो जब कभी बहुत हॉट दिन होते हैं, कभी नॉर्मल दिन होता है आपके समर सीजन में भी, राइट? हर दिन गर्मी नहीं होती इतनी ज़्यादा, बट कुछ दिन इतना होता है कि बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है आपका टेम्परेचर. नाउ व्हाट हैपेंस इज, वी ऑल नो कि समर सीजन और विंटर सीजन का हिसाब क्या है. लेट मी चेक एक मिनट, इसमें यहाँ बना वाइट स्क्रीन. सो वी हैव योर इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, एंड वी हैव आवर सन यहाँ पर, ठीक है, वी हैव आवर अर्थ यहाँ पर. अब आप देखो, अर्थ की दो पोजीशन में आपको बात करूंगी. ठीक है, अर्थ की दो पोजीशन है, ठीक है, एक ये पोजीशन है और एक आपकी ये पोजीशन है. ठीक है, ना यू टेल मी कि समर सीजन के टाइम पे अर्थ एक्चुअली होता कहाँ है? अर्थ इज वेरी क्लोज टू द सन, सिंस दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट. ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, नॉट एग्जैक्टली सर्कल, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें आपका अर्थ पूरा घूम रहा है. इट इज एन ओवल शेप, एज यू कैन सी अंडे के शेप की तरह, एग की शेप की तरह, इट इज लाइक ओवल. आपने देखा होगा अंडे का शेप सर्कल तो नहीं होता, सर्कल इज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स. जैसे आप सर्कल की बात करते हो, तो सेंटर पॉइंट से हर डिस्टेंस इज इक्वल, सेंटर पॉइंट से हर डिस्टेंस इज इक्वल. तो अर्थ कहीं पर भी होता और सन अगर बीच में होता तो उसको इक्वल अमाउंट की हीट मिलती सन से, कोई डिफरेंस नहीं होता समर सीजन क्या विंटर सीजन. बट क्योंकि आपका जो ऑर्बिट है अर्थ का, दैट इज नॉट सर्कल, दैट इज इलिप्टिकल, दैट मीन्स ओवल शेप में है, दैट्स वाई डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, डिस्टेंस इक्वल नहीं है. ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर आपका इलिप्टिकल बनाती हूँ, इफ आई मेक यू एन इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सो सिंपल सी बात है, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से ये बहुत क्लोज डिस्टेंस है सेंटर की तरफ, और जो एंड की तरफ है वो बहुत लार्ज जा रहे हैं सेंटर के हिसाब से. जो सेंटर के आसपास है वो बहुत क्लोज है, और जो बिल्कुल एंड्स में दिख रहा है आपको टॉप एंड बॉटम में, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है. सो ये डिस्टेंस काफ़ी दूर है और ये वाला काफ़ी पास है. जब आपकी अर्थ यहाँ पर होगी तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और जब आपकी अर्थ बहुत दूर होगी तब आपको कम हीट आएगी. देखो, अगर सन आपका इतना दूर है डिस्टेंस के साथ, तो दैट मीन्स जो सन की इंटेंसिटी है, सन रेज की इंटेंसिटी है, वो कम पड़ जाएगी. इतना दूर ट्रैवल करेगी तो कम पड़ेगी आपको, आपको गर्मी थोड़ी कम लगेगी. बट अगर अर्थ इतना क्लोज चला जाता है सन के, दैट मीन्स कि आपको हीट जो आ रही है सन से, जिस इंटेंसिटी से आ रही है हीट, वो ज़्यादा फील हो, दैट इज़ योर समर सीजन. ठीक है, सो क्लाइमेट की बात बाद में करेंगे, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की कहाँ से डिसाइड हो रहा है, सन की रेज कैसे आ रही है उसी से. ठीक है, ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ में जिसको फर्क पड़ता है टेम्परेचर से? वन इज योर ओशंस, लैंड, ठीक है, एटमोसफेयर,
ठीक है, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस. ठीक है, सो वी हैव योर ओशंस, एटमोसफेयर एंड लैंड ऑफ कोर्स सर्फेस. ये सब हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ओशन भी हीट एब्जॉर्ब करता है, लैंड भी हीट एब्जॉर्ब करती है, एटमोसफेयर भी करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है कई बार ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, राइट. सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट, ठीक है. और जब ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना, तभी उस एरिया का वेदर भी डिसाइड होता है. तो थ्री फैक्टर्स आर देयर. जब सरफेस लैंड एब्जॉर्ब करती है तो हमें गर्मी लगती है, क्योंकि उसके ऊपर की हवा गर्म होने लग जाती है. देन वी हैव ओशंस, वो भी हीट अप हो जाता है. एटमोसफेयर, वो तो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती है हीट को, तभी आपके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन्ड है. आप सबको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, वो ग्रीन हाउस गैस वो हीट एब्जॉर्ब करती है और आपका अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है. अगर ग्रीन हाउस गैसेस ऐसा ना करे तो अर्थ का टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा, क्या पता अर्थ ठंडी पड़ जाती अभी तक, है ना. सो यस, तो एटमॉस्फेयर में भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी ओशन में भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी सरफेस में भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है. सो लॉट ऑफ टेम्परेचर का फैक्टर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उसी से आपका उस प्लेस का वेदर डिसाइड हो रहा है. देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द चेंज इन वेदर इज कॉज्ड ड्यू टू द सन, बिकॉज द चेंज इज अकरिंग इन द सन्स हीट विल चेंज द एटमॉस्फेयर मोर फ्रीक्वेंट. सेकेंड फैक्टर इज योर रेनफॉल. लाइक यू कैन सी बारिश हो रही है मेरे पीछे, एंड रेनफॉल इज अ सेकेंड फैक्टर. रेनफॉल से क्या फर्क पड़ता है मैम, ओके लेट्स सी. वी ऑल नो, हमने वाटर साइकिल 6 स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, राइट. वी नो कि कंडेंसेशन से रेन आपकी नीचे आएगी कभी ना कभी. वी ऑल नो कि वाटर साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट द पानी गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम ओशंस एंड लेक्स एंड एवरी सोर्स ऑफ वाटर. इवेपोरेशन से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमोसफेयर में जाती है. देन सिंस वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर एंड देयर डिफरेंट टेम्परेचर्स टू एवरी लेयर ऑफ एटमोसफेयर, तो जैसी है आपकी वाटर वेपर ऊपर जाती है वो ठंडी पड़ने लग जाती है, बिकॉज द टेम्परेचर अबव ट्रोपोस्फेयर इज वेरी लेस. स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर जाता है, माइनस में जाके, ठीक है. मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑल्सो. तो इतना ऊपर जाने के बाद जो पानी की जो भाप थी, पानी जो वाटर वेपर की फॉर्म में था, इट इज नाउ कंडेंसिंग, वो ठंडा पड़ रहा है. इट इज चेंजिंग ए स्टेट ऑफ मैटर बैक टू लिक्विड. जैसे इवेपोरेट हुआ था लिक्विड से गैस, इट इज चेंजिंग बैक टू योर लिक्विड एंड इट इज कमिंग डाउन, ठीक है. इट इज कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और यू कैन से हेल, और यू कैन से स्लीट, ठीक है, और स्नो. देयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. We call it as precipitation. Basically what happens, evaporation, फिर ठंडा हुआ condensation, फिर precipitation is falling back to earth surface, right? So precipitation can happen in any form. It can be in the form of rain, it can be in the form of your hail, it can be in the form of sleet, it can be snow also. So snow मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जब ज़्यादा freeze हो जाता है कि solid ही बन जाता है वो, that is known as snow. जब बारिश होती है, जब लिक्विड फॉर्म में गिरता है तब उसे हम कहते हैं रेन. जब वो ओलों के फॉर्म में गिरता है, जो छोटी छोटी स्नो बॉल्स सी होती है, अजीब सी आपकी स्नो इज प्रिटी डिफरेंट. स्नो का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट ओले, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने फ्रीज में बिल्कुल जस्ट लिक्विड को जस्ट फ्रीज करा है. जो आपके ओले होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, दैट इज़ योर हेल. ओलों को कहते हैं हम हेल. एंड कई बार बारिश के साथ ओले पड़ रहे होते हैं, कई बार बारिश के साथ ही ओले पड़ रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं स्लीट. अगर बारिश और ओले पड़ रहे हैं, रेन प्लस हेल, दैट विल बी स्लीट, ठीक है. अगर सिर्फ ओले पड़ रहे हैं, दैट विल बी हेल. अगर बारिश हो रही लिक्विड फॉर्म में, दैट विल बी रेन. एंड अगर बिल्कुल ही वाइट स्नो नीचे गिर रही है, दैट विल बी योर, जैसे स्नो फ्लेक्स जो नीचे गिरते हैं, दैट विल बी योर स्नो, ठीक है. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दैट पानी जो है इट कम्स बैक टू योर earth, then it goes to groundwater or it gets absorbed by the plants and then it runs towards your ocean bodies, right? So yeah, that is the whole water cycle. But let's just come back to the rainfall and how it affects your weather. So the amount of water droplets that fall back on the earth after condensation is called rainfall, and when the temperature is too low, these droplets in the cloud gets freeze into the crystals of ice, comes on the earth as snowfall. Like I said,
यहाँ पर टेम्परेचर भी गेम खेल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो रखा है, जैसे कि इफ़ आई से कनाडा या कोई भी एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो वहाँ पर अगर आपकी बारिश नीचे गिरना चाह रही होगी तो ऑलरेडी एनवायरमेंट जो आपके आसपास सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर बहुत ड्रॉप है माइनस में। तो अगर बारिश नीचे गिरेगी लिक्विड फॉर्म में, वो फ्रीज हो चुकी होगी नीचे गिरने से पहले, तो उसे हम कहेंगे स्नो। ठीक है, अगर बहुत गर्मी है तो आपको पता है वो बारिश भी वाटर वेपर की फॉर्म में बीच में कन्वर्ट हो सकती है, जिसे हम कहते हैं फॉग। कई बार क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कई बार। जैसे आजकल बहुत ह्यूमिडिटी है, दैट मीन्स वाटर वेपर बहुत है आपका, वाटर वेपर आपका बहुत है किसमें, एयर में। एयर में क्या है आपका, वाटर वेपर बहुत है, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी है। कई बार क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी में आप अपने क्लोथ्स भी सुखाओगे, इफ़ यू ड्राई योर क्लोथ्स इन ह्यूमिडिटी, वो प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स बिकम्स वेरी स्लो। बाय बिकॉज ऑलरेडी एटमोसफेयर में इतना वाटर वेपर होता है, तो आपके कपड़ों से जो वैपरेट होना होता है वाटर वेपर, उसकी जगह नहीं बचती, इसलिए वो इतना स्लो प्रोसेस हो जाता है आपके कपड़ों का सूखना ह्यूमिडिटी के टाइम पर। सो दैट थिंग इज योर दैट थिंग इज डिफरेंट, कि ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट ह्यूमिडिटी में इन शॉर्ट वाटर वेपर बहुत अमाउंट में होता है एटमोसफेयर में। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर ये वाटर पेपर गलती से भी कंडेंस होता है, अगर ये वाटर पेपर कंडेंस होता है तो आपकी क्या क्लाउड्स जैसे बनते हैं आपके कंडेंसेशन से, ऐसे आपका फॉग इस एरिया में बनने लग जाता है। मतलब नीचे के एरिया में अगर आपके वाटर पेपर्स कंडेंस होने लग जाते हैं, तो और अगर वो बीच में अटक गए आपके वाटर पेपर कंडेंस होके, तो उसे हम कहते हैं फॉग। उसे हम क्या कहते हैं, तो जो आपका वाटर वेपर ऑलरेडी हवा में है, अगर वो कंडेंस होता है, देन इट गोज टू योर फॉग। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, सो दीज आर टेम्परेचर और रेन का क्या फर्क पड़ रहा है। और तब हम कहते हैं कि भाई बारिश हो रही है, देन वी से कि वेदर आपका क्या भी रेनी हो रखा है। ठीक है, ओके, दीज ड्रॉपलेट्स हैंग इन द एयर टू फॉर्म फॉग, इट इज रिटन, जो मैंने आपको अभी बताया ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ एक मिनट। Okay, let's move on to the next factor, that will be, oh yeah, I totally forgot about this. Yes, also how do you measure the rainfall, ki kitni rainfall hui hai? Okay, rainfall kitni hui hai, wo decide hota hai ki instrument se, whenever you want to measure something, whether it's rainfall, temperature, anything, or humidity, in fact, wo measure kari jaati hai. To rainfall kitni hui hai us place mein, uske liye bhi ek instrument hota hai, that is known as rain गॉज, दैट इज नोन एज रेन गॉज। ठीक है, इट इज अ मेजरिंग सिलेंडर, इट इज प्रिटी बेसिक इंस्ट्रूमेंट, बहुत बेसिक सा है। सिलेंडर होता है और उसमें एक फनल होता है ऊपर टू कलेक्ट द रेनफॉल। ठीक है, सो यस, एक फनल होगा ऊपर एंड एक सिलेंडर के ऊपर आपका फनल रखा हुआ होगा, बस प्लास्टिक का, और इट कैन बी ऑफ ग्लास ऑल्सो। सो रेन वाटर कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर गिव्स द मेजर ऑफ द रेनफॉल। लेट मी शो यू, ऐसा कुछ होता है, दिस इज ये सिलेंडर दिख रहा है आपको एंड दिस पार्ट इज योर फनल, तो एक कलेक्ट करता है और यहाँ पर मेजरिंग स्केल्स होते हैं, तो वो बताते हैं कितने लेवल तक बारिश इस प्लेस में हुई है, कितने इंच तक बारिश हुई है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस टू मेजर द रेनफॉल, कि इस बारिश ये इस प्लेस में कितनी बारिश हुई है। सो दिस इज नोन एज रेन गॉज, इसे हम कहते हैं रेन गॉज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। थर्ड फैक्टर इज योर ह्यूमिडिटी, लाइक आई सेड ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है आपका, सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। आई सेड दिस अभी भी कि जितनी वाटर वेपर होगा, पानी गैस के फॉर्म में जितना आपकी हवा में होगा, इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर एटमोसफेयर, उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको चिपचिपाहट लगेगी स्किन में, जैसे अभी आपको लग रहा होगा ह्यूमिडिटी काफ़ी है, बारिश होने से पहले आपको ह्यूमिडिटी फील भी होती है। सो यस, इट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, सो द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर एंड फॉल्स इफ हैवी रेनफॉल अकर्स। नाउ थिंग इज कि जितना जितना एयर में पानी भरा हुआ है,
उससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर पाएगा. अब लेट्स सपोज कि अभी आपका एटमॉस्फेयर में बहुत सारा H2O भरा पड़ा है गैस की फॉर्म, अभी उसके पास स्पेस ही नहीं है कि वो और वाटर मॉलिक्यूल घुसा दे आपकी हवा में. आपके करंट वेदर में जो अभी कंडीशन है, आपकी हवा में आसपास अभी मॉइस्चर है, इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर नाउ, राइट. सो जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना आपकी ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कोई भी चीज सूखने में टाइम लगाएगी क्योंकि और जगह नहीं है वाटर वेपर के लिए इन द एटमॉस्फेयर, राइट. सो जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही आपकी रेन नीचे गिरती है, जैसे ही उनकी प्लेसेस खाली हो जाती है, देन यस देन एयर कैन अकोमोडेट मोर मॉलिक्यूल्स. जब वो मॉलिक्यूल्स नीचे गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ स्नो और एनीथिंग, राइट, या देन वो उस प्लेस खाली हो जाती है एंड देन दे कैन फिल मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर. सिंपल सी भाषा में दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. इट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है. इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाए तो ऑफकोर्स आपका लिक्विड होगा किसी ना किसी फॉर्म में निकल जाएगा एंड जगह खाली हो जाएगी. अब ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे करते हैं इन द फॉर्म, दैट इंस्ट्रूमेंट नेम इज हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी. हाइग्रो का मीनिंग ही वाटर के लिए यूज करा जाता है. हाइग्रोमीटर इज फॉर चेकिंग द ह्यूमिडिटी, कितना वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट है हवा में. इट हैज टू थर्मोमीटर्स, इट हैज टू थर्मोमीटर्स, एक ड्राई रहता है एक वेट रहता है. तो हाइग्रोमीटर जो है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ टू मीटर्स, ठीक है, टू थर्मोमीटर्स. सो इट इज यूजिंग थर्मोमीटर्स ओनली, टेम्परेचर ही नाप रहा है और कुछ नहीं नाप रहा. सो वन इज ड्राई वन इज वेट एंड दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं एंड रीडिंग लेते हैं, ठीक है. वो सीधे आपको डिजिटल वाला तो सीधे बताया था इतनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, वट आर यस फोर्थ फैक्टर पे हम पहुंच चुके हैं कि वेदर. चौथे जो फैक्टर की हम बात करें उससे भी उसे फर्क पड़ता है, दैट इज योर विंड स्पीड. विंड की स्पीड क्या है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर. लाइक आई वाज सेइंग विंड स्पीड. नाउ विंड स्पीड इज समथिंग लाइक हवा तेज चल रही है, हवा कम चल रही है, हवा ठहर गई है. जैसे हम ट्रीज को देख के बोलते हैं लाइक विंड नहीं चल रही है अभी. Thing is, wind also plays its part in the form of like you can say pressure upar niche karne ke liye. It is caused due to the difference in air pressure. Pehli baar to wind speed kyun badalti hai, jaisa air ka pressure chal raha hota hai us place mein, us hisab se uski wind ki speed upar niche hoti rehti hai. During the summer, the wind blows from Indian Ocean to Bay of Bengal. Summer season ke time pe hamare jo hawa ka rukh hota hai, jo hawa ka direction hota hai, that is from Indian Ocean to Bay of Bengal. Theek hai. It causes rain in India, while during winter it blows from the mountain, north India se, to your, towards your northern plains, ठीक है, and causes the cold weather. So yeah, इसका भी आपका weather का, इस पर भी हाथ है, wind speed का भी हाथ है आपके weather में, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, summer या winter season में, wind pressure से बहुत फर्क पड़ता है, wind pressure से basically. एंड जैसे आप देख सकते हो समर में इट इज़ गोइंग फ्रॉम इंडियन ओशन टू बे ऑफ बंगाल एंड देन इन विंटर्स इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम योर नॉर्थ रीजन माउंटेन्स टू नदरन योर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है. सो येस विंड स्पीड ऑल्सो प्लेज इट्स ओन पार्ट. ओके आगे बढ़ते हैं. येस ऑफकोर्स विंड के भी फैक्टर्स हैं आपके. विंड के फैक्टर्स जो मैं बोलती हूँ दैट मीन्स हीट, मॉइस्चर, पोल्यूटेंट्स भी लेके आता है. पोलन्स का वे फ्लावर्स में बहुत काम आते हैं ये सब चीज़ें. विंड्स ही एक कैरियर होती हैं एंड पल्यूटेंट्स भी लेके आता है. लाइक यू कैन से डस्ट पार्टिकल्स भी इधर से उधर ट्रैवल करते हैं विंड के साथ, मॉइस्चर भी एंड हीट भी, ठीक है. ओके वेदर प्रोडक्शन की बात करते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज वेदर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वेदर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेदर प्रोडक्शन. लाइक आई सेड वेदर फोरकास्ट तो चलता ही है आप सबके लिए. नाउ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेटीरोलॉजी. नाउ मेटीरियोलॉजी जस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ साइंस, ब्रांच होती हैं अलग अलग आपकी साइंस की. लाइक वी हैव बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वी हैव एस्ट्रोनॉमी, देन यू हैव एस्ट्रोलॉजी, देन यू हैव कॉस्मोफिजिक्स, देन यू हैव केमिस्ट्री, देन यू हैव फिजिक्स, देन यू हैव योर बायोलॉजी,
botany, zoology, we have different branches of science, right? One of them is meteorology. Now, meteorology kis cheez pe deal karta hai? What is the weather? What is the condition of the atmosphere? Meteorology ka wo kaam hota hai. Jo bhi meteorologist hote hain, wo yahi study karte hain. What is the weather pattern? What is the climate pattern? So that is your weather prediction. That is your meteorology. अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट हो अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द क्लाइमेट एंड आवर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यू कैन डेफिनेटली गो इन दिस ब्रांच, दैट इज मेटीरियोलॉजी. नाउ इन इंडिया द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ कौन प्रिपेयर करता है, कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, दैट इज मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द डेटा ऑफ टेम्परेचर एंड विंड. इनका क्या काम होता है कि उस प्लेस का, वही जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, विंड स्पीड क्या चल रहा है उनका, टेम्परेचर क्या चल रहा है, रेन है कि नहीं है, रेन टेम्परेचर एक ही बात उसमें इंक्लूड हो जाता है. सो यस, ये सारे जो फैक्टर्स जिसमें वेदर डिपेंडेंट है, जो हमने अभी बात करी थी, वो चेक करते हैं. और उन सबके इंस्ट्रूमेंट से आपने चेक किया था, राइट? तो वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से वो चेक करके, डेटा कलेक्ट करके आप सबको बताते हैं अबाउट द वेदर फोरकास्ट कि इस प्लेस में प्रॉबेबली ये हो सकता है आगे जाके एक हफ्ते में. नाउ सिंस वेदर हर दिन चेंज हो सकता है, हर वीक चेंज होता है, कई बार फोरकास्ट भी गलत हो जाता है. सो इट्स ओके, इट इज़ नॉर्मल. द वेदर रिपोर्ट इज रिकॉर्डेड एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड पब्लिश इन द टेबल फ्रॉम शोइंग रीडिंग्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. नाउ थिंग इज, आपको वेदर फोरकास्ट न्यूज़ में भी दिखता है, यू हैव योर रिपोर्ट इन योर फोन ऑल्सो, आपको गूगल में भी दिखा दिया जाता है कि वेदर फोरकास्ट, अगर आप सर्च करोगे आपको आ जाएगा कि आपकी प्लेस में वेदर अभी क्या है. इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो, राइट? अभी यहाँ पर कुछ और होगा, बट हमारे सदर्न रीजन में कुछ और चल रहा होगा अभी ह्यूमिडिटी की वजह से. देन वी हैव ईस्ट में कुछ और चल रहा होगा, मे बी वेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा टेम्परेचर और प्रेशर का. सो दैट इज नोन एज वेदर. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, एंड ऑल्सो फ्रॉम योर फैक्टर्स ऑल्सो, राइट? सो यू हैव टू नोट एवरीथिंग कि वेदर प्रोडक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या मेजर कर रहे हैं और आप कैसे बता रहे हैं. दैट इज अ वेदर प्रोडक्शन. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि मेटीरियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है एंड वट डू दे कलेक्ट, कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. पहली बात, जो हमने बात करी वही डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ येस, डिफरेंस इन टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. नाउ द थिंग इज, वी ऑल नो कि या देयर इज डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स, 2 मिनट्स सनसेट और सनराइज में होता है, उसमें आपकी फिजिक्स आ जाती है. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस ओनली द डिफरेंस इन टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, थिंग इज, आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, आजकल क्या गर्मियों का टाइम चल रहा है, आजकल क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट सनसेट, इट इज़ वेरी लेट. सनसेट काफ़ी 7-8 बजे के बाद सनसेट हमें दिख रहा है. एंड सनराइज में क्या हो रहा है, सनराइज इज हैपनिंग या अर्ली. ठीक है, पहले आपका सनराइज हो रहा है और सनसेट बहुत लेट हो रहा है, सो दैट मेक्स योर डे क्वाइट लॉन्ग. अगर सनराइज पहले हो रहा है, सनसेट बहुत लेट हो रहा है, यहाँ से सनराइज पहले हो गया और वहाँ से सनसेट बहुत लेट हो रहा है, दैट मीन्स यू आर जस्ट, यू नो, स्ट्रेचिंग द डे टाइम. यू हैव स्ट्रेच द डे टाइम एंड नाइट टाइम कम हो गया हमारा. दैट हैपन्स इन समर सीजन. इफ यू हैव नोटिस दिस, दैट हैपन्स इन समर सीजन, वेन योर डे टाइम इज लॉन्गर देन योर नाइट टाइम. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर विंटर सीजन, आपका क्या होगा, उसमें आपका नाइट टाइम बहुत लंबा होता है एंड सनसेट बहुत जल्दी जाता है, लाइक 5-6 PM ही यहाँ पर हमारा सनसेट हो चुका होता है. तो विंटर सीजन में द डे टाइम इज क्वाइट शॉर्ट कम्पेयर टू योर नाइट टाइम. एंड इफ आई टॉक अबाउट इन समर सीजन, अभी जो चल रहा है, योर डे टाइम इज वेरी लॉन्ग कम्पेयर टू योर नाइट टाइम. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सन रेज की इंटेंसिटी, कि अभी आपका अर्थ सन के आसपास कहाँ घूम रहा है. लाइक आई शोड यू इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट? अर्थ आपके बहुत क्लोज होता है सन के, उसकी इंटेंसिटी भी सनरेज की उतनी, जितना पास होता है उतनी ज़्यादा आ रही होती है अर्थ में, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस इन द टाइम ऑल्सो. ठीक है, तभी आपका जो सनरेज है जिस हिसाब से आ रही है, उसी से आपका डे टाइम स्ट्रेच हो रहा है और नाइट टाइम कम हो रहा है. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइम ऑफ सनराइज ड्यूरिंग द समर एंड विंटर. इन समर द सन राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सनसेट लेट, लाइक आई सेड, इन द मंथ ऑफ जून, जो कि अभी गया है, एंड दिसंबर में आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, नाइट टाइम बढ़ जाएगा. देयरफॉर डेज आर लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर इन समर्स, व्हाइल डे इज शॉर्टर एंड नाइट इज लॉन्गर ड्यूरिंग द विंटर. दिस इज द डिफरेंस इन टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. आगे बढ़ते हैं.
And now we have your climate. Now we have already talked about your weather. Now we're going to talk about the second thing, that second term is your climate in the chapter. Now many students get confused in weather and climate. The thing is, weather is only for a short period of time, but climate is for a longer time compared to your weather. It is for your longer period. Okay? Now the average weather pattern taken over a long, जब weather pattern आप बहुत time से देख रहे हो, it is similar. कोई एक weather pattern होगा जो लंबा चल रहा है. Like we have days जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, we have days जिसमें गर्मी बहुत थोड़ी compared to other days थोड़ी कम लगती है. But we are seeing a similar pattern throughout 6 months. Then we'll call it a summer season. Now different places in the world have different types of climate. And the annual record of long-term average temperature and rainfall at a particular place is called climate chart. The thing is, it changes after a long period of time, a specific period of time. Not I cannot say that climate aapka din ke saath change ho raha hai, hours ke saath change ho raha hai, is it days or weeks? Not even weeks. Lamba chalta hai aapka climate. So for a particular place, you can say during a specific period of year, wo rehta hai. And the major factor which determines the climate of a place is latitude. Imaginary lines जो आपको पता है, जो आपका grid system है, latitude, longitude, equator and poles, these are your grid system. Like latitude and longitude क्या करते हैं, grid system देते हैं, it helps us in locating something on earth, right? So जो grid system है हमारा, latitude and longitude, ये भी एक बहुत important factor है towards your climate. Let's see कि क्या है. So how is climate determined by latitude and distance from the sea? These are one of the factors of climate. Let me tell you, अभी जो हम discuss करें, climate तो मैं पता चल गया, it is for longer period of time. अभी हम discuss करें, what are the factors that affects your climate? One of them is latitude and the other one is distance from the sea. Okay, let's see what is latitude and longitude. Latitude and longitude is the grid system. I said the grid system that helps us locate something on earth. ठीक है? तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में जो भी आपका डिफरेंस है वो आप देख सकते हो पिक्चर में, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. नाउ हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी लैटिट्यूड है एंड वर्टिकल लाइंस आर योर लॉन्गिट्यूड. या दैट इज ओके. द थिंग इज यू हैव योर इक्वेटर राइट इन द मिडल राइट नाउ. डायग्राम में क्या है, इक्वेटर बिल्कुल बीच में. देन यू हैव योर वर्टिकल लाइन एंड देन यू हैव योर हॉरिजॉन्टल लाइन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी दिखा रखा है आपको, इक्वेटर भी दिखा रखा है. Equator is something your latitude. Why? Equator latitude में क्यों बोला है? Because equator is also going like this. Equator भी आपका horizontal उसमें जा रहा है. ठीक है, this is horizontal, this is vertical. तो equator जो है आपका, आपने ये चीज़ notice भी करी होगी कि जो climate रहता है equator के आसपास countries जो होती हैं वो काफ़ी warm होती है. And if you go towards the poles, north and south pole, वो काफ़ी ठंडी होंगी countries. जितना इक्वेटर से आप दूर जाते हो उतना कंट्रीज में आप टेम्परेचर ठंडा पाओगे. जितना आप कंट्रीज जितना आप इक्वेटर के पास जा रहे हो उतना वार्म क्लाइमेट देखोगे आप कंट्रीज में. ठीक है, जितना आप क्लोज जाते हो इक्वेटर के उतना ही वार्म क्लाइमेट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है. और जितना आप इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाते हो उतना ही आपका क्लाइमेट ठंडा पाया जाएगा थ्रू आउट द ईयर. Throughout, since I am talking about climate, it can be throughout the year. Okay. The distance from the sea. What distance of the sea से क्या मतलब मैम? Let's just see this. ठीक है, इसको एक बार मैं आपको बता दूँ ढंग से. Distance of the sea से जाने से पहले हम equator की चीज़ ठीक कर देते हैं. Why equator is warmer? Because यहाँ पर short distance रहता है sun से, तो वो rays पहले equator में पहुँच जाती हैं और poles तक जाते जाते time लगता है. सन रेज की इंटेंसिटी पोल्स तक जाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए पोल का रीजन ठंडा रह जाता है और इक्वेटर का रीजन काफ़ी गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो सन रेज की इंटेंसिटी है वो जल्दी पहुँच जाती है एंड बहुत मैक्सिमम इंटेंसिटी जाती है. सो इक्वेटर में क्योंकि इंटेंसिटी आप देख रहे हो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, ज़्यादा जा रही है, तो इक्वेटर के आसपास जो आपकी कंट्रीज होंगी दे विल हैव अ वार्मर क्लाइमेट. बट इफ आई टॉक अबाउट द कंट्रीज नियर योर पोल्स, दे विल रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सन रेज and that will make the climate colder compared to the equator ones. Okay, this is the difference why latitude is affecting your climate, why equator and poles are affecting your climate around the places jo bhi equator or poles ke hongi. And distance from the sea ki agar main baat karu, distance of the sea mein oceans heat up and cool down much more slowly than the land.
oceans heat up and cool down much more slowly than the land. Why it is written कि आप सबको पता ही है कि oceans क्या होते हैं, एक बार गर्म हो जाते हैं ठंडे होने में time लगता है. Land एक बार गर्म हो जाती है ठंडी भी जाती है उतनी जल्दी, आपने notice किया होगा ये चीज़. तो if I talk about land and your sea, तो sea बहुत जल्दी गर्म तो हो जाएगी पर ठंडे होने में time लगाएगी, ठीक है. और land क्या करते हैं, बहुत फटाफट गर्म और ठंडा हो जाती है land surface. तो इफ़ आई टॉक अबाउट ओशन, जो कि आपके लीक आई मीन ओशन बॉडीज़ में जो आपका आता है, वाटर बॉडीज़ में जितना जल्दी वो हीटअप हो रहा है उतना टाइम लगा रहे हैं कूल डाउन होने में. तो उससे होता क्या है कि जो भी कोस्टल रीजन्स है ना ओशन के आसपास, दे टेंड टू बी कूलर इन समर. समर सीजन में वो कूलर रहते हैं, इतना भी ठंडा नहीं रहता, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 25 to 30 degrees Celsius. तो कोस्टल रीजन में गर्मियों के टाइम पर कूल रहता है, तभी लोग जाना ही पसंद करते हैं समर सीजन में. अगर मैं यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और कोस्टल रीजन जाना चाहूँ, ज़रूर जाना चाहूँगी मैं, क्योंकि वहाँ पर समर सीजन के टाइम पे कूलर टेम्परेचर है कंपेयर टू यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ, ठीक है. तो यस, इफ आई टॉक अबाउट कोस्टल लोकेशंस, तो वहाँ पर समर सीजन में यू फाइंड कूलर एयर, ठीक है, एंड वार्मर होता है विंटर सीजन में. वाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज कोस्टल रीजन्स के आसपास जो ओशंस है वो बहुत टाइम लगा रहे हैं ठंडा होने में और हीटअप होने में, ठीक है, दोनों में टाइम लगा रहे हैं. आपके जो ओशंस हैं वो हीटअप होने में भी टाइम लगा रहे हैं कंपेयर टू लैंड, एंड वो कूल होने में भी टाइम लगा रहे हैं. इसलिए क्या होता है कि विंटर सीजन में, क्योंकि वो कूल होने में टाइम लगा रहे हैं तो विंटर सीजन में वो गर्म ही रहेगा, और क्योंकि वो हीटअप होने में टाइम लगा रहे हैं तो जो कूल हवा होगी विंटर सीजन से वो समर सीजन के टाइम पे भी थोड़ी रह जाती है, क्योंकि वो टाइम लगा रहे हैं अपने आप को चेंज होने में, ठीक है. दिस इज द मेजर रीजन कि कोस्टल रीजन में गर्मियों में ठंडी हवा क्यों रहती है, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट, एक तो आपने बात कर ली डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिर आपने बात कर ली लैटिट्यूड, थर्ड आएगा ऑल्टीट्यूड और हाइट. अबव द सी लेवल क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड, द हाई ऑल्टीट्यूड आर कूलर. आपने देखा होगा अगर मैं हिमालय पर्वत की बात करूँ तो यहाँ पर जो ऊपर हवा होगी बहुत ठंडी होगी, ठीक है. तो येस, ऑल्टीट्यूड से भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है क्लाइमेट को. एंड ह्यूमिडिटी इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ह्यूमिडिटी ऑफकोर्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ओशन के आस पास रीजन है वो मोस्टली ह्यूमिड ही रहता है उनका, ठीक है. उनका टेम्परेचर ठंडा गर्म हल्का फुल्का होता है, जैसे हमने बात करी कि क्यों होता है, बट ऑल्सो वहाँ पर ना एक्सट्रीम गर्मी होती है ना एक्सट्रीम ठंड होती है. ये बात सच है कि कोस्टल रीजन्स के आसपास या यू कैन से ओशन या सी के आसपास जो है आपका जो रीजन्स होंगे, वेदर यू टॉक अबाउट मलेशिया, यू कैन टॉक अबाउट इंडोनेशिया, श्रीलंका, हमारे जितने भी सदर्न पार्ट है, दे ऑल सराउंड बाय द वाटर बॉडीज, राइट. तो थिंग इज उनका क्लाइमेट हमेशा ह्यूमिड से भरा हुआ होगा, उनकी हमेशा क्लाइमेट आप देखोगे ह्यूमिडिटी से होगी. ह्यूमिडिटी मतलब आपको ना ही गर्मी फील होगी ज़्यादा ना ठंड फील होगी, और बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो जितना भी होल्ड कर रखा होता पानी हवा ने वो नीचे तो आना ही होता है. रेनफॉल भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी इन रीजन्स में. सो द थिंग इज कि ह्यूमिडिटी भी फ़र्क दिला रही है क्लाइमेट में, ऑल्टीट्यूड भी फ़र्क दिला रहा है क्लाइमेट कैसा होगा उस एरिया का, उससे वो डिटरमाइन कर रहा है क्लाइमेट को. सो वेदर इट्स योर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, whether it's your latitude, whether it's your altitude or humidity, these are the factors that determine your climate of that particular area, ठीक है. Okay, by low humidity, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, हरियाणा में भी, हरियाणा में थोड़ी थोड़ी कम होती है compared to your राजस्थान, एंड केरला एंड कोलकाता में तो बहुत humidity होती है. आगे बढ़ते हैं, climates in India, इंडिया में कौन कौन से climates पाए जाते हैं, give me a minute. ओके, यस, यू कैन रीड ऑल द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. ओके, सो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया एज यू कैन सी देयर इज यस, नॉर्दर्न रीजन में आपका हिमालयस, दे आर वेरी कोल्ड. आप अगर जैसे आप ट्रिप में जाते हो, राइट, यू ऑलवेज सी कि यार यू वांट टू गो टू हिली स्टेशन गर्मियों में, बाय बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रखा होता है हाइट की वजह से, माउंटेन्स की हाइट की वजह से, ऊपर एयर बहुत पतली होती है,
जितना आप हाइट में जाते हो आपकी हवा उतना ही पतली होती जाती है, थिन लेयर होती जाती है, गैसेस का अमाउंट भी चेंज हो जाता है. सो यस, इफ यू गो टू योर नॉर्दर्न रीजन ऑफ हिमालयस, दे आर वेरी कोल्ड, दे आर क्वाइट कोल्ड एंड दे हैव वेरी कोल्ड एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट. ठीक है, कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, दे आर वेरी कोल्ड रीजन्स. इवन इन समर सीजन ऑल्सो उनका टेम्परेचर ठीक होता है, मतलब गर्मी नहीं होने लग जाती माउंटेन्स में, नॉर्मल रहता है. लाइक आई एम फ्रॉम उत्तराखंड ऑल्सो, आई मीन माई बैकग्राउंड इज फ्रॉम उत्तराखंड, तो आई हैव ऑलवेज विजिटेड दीज प्लेसेज इन समर सीजन ऑल्सो. दे हैव नॉर्मल टेम्परेचर, समर सीजन में कभी भी गर्मी नहीं होगी ऐसी, और सर्दियों में बहुत सर्दी होती है वहाँ पर. सो यस, प्लेन्स हैज़ अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जो प्लेन्स होते हैं आपके प्लेनर एरियाज, लाइक उत्तर प्रदेश, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन एरियाज, ठीक है, आपको सिर्फ सर्फेस दिखेगी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ले लो, कुछ भी ले लो, दीज आर योर मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट. ठीक है, नाउ साउथ हैज़ वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट. लाइक आई सेड, ह्यूमिडिटी ज़्यादातर आपके ओशन के जो आसपास एरियाज है, केरला, कर्नाटक, दे हैव दे ह्यूमिडिटी क्लाइमेट. ठीक है, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होगा. वेस्टर्न रीजन की तरफ जाऊंगी, योर राजस्थान, गुजरात, एवरीथिंग, दे हैव हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. दे आर वेरी हॉट. ठीक है, सो वेस्टर्न रीजन हमारा काफ़ी हॉट है एंड हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, दे हैव वेट क्लाइमेट. बारिश बहुत होती है आसाम में, आप सबको पता है. सो दे हैव कम्प्लीट वेट क्लाइमेट. आसाम के एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हमारा काफ़ी वेट क्लाइमेट रखता है. देन वी हैव वेस्टर्न, जैसे राजस्थान वगैरह, वहाँ गर्मी बहुत होती है. देन वी हैव साउथ, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है. प्लेन एरिया में नॉर्मल हॉट वेट दोनों रह सकता है, लाइक दिल्ली या उत्तर प्रदेश में समर और आपका विंटर सीजन में चेंज होता है क्लाइमेट. ठीक है, गर्मियों में गर्मी बहुत हो रही है, विंटर सीजन में बहुत सर्दियाँ हो रही है. एंड हिमालय की बात करूँ तो ठंडा ही रहेगा थ्रू आउट ईयर में. सो आगे बात करते ही, बहुत कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं. जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और वी आर गोइंग टू साउथ एंड नॉर्थ, टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है थ्रू आउट द ईयर इफ आई कंपेयर दैम. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ योर इंडिया. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर क्लाइमेट, तो अडेप्टेशन की बात तो आई जाती है. नाउ वी हैव कम टू द एनिमल्स, कि पर्टिकुलर रीजन में वी हैव सीन ऑल द डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हॉट रीजन्स, तो हॉट रीजन्स में कौन से टाइप के एनिमल्स आते हैं. सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है राजस्थान में कैमल, राइट. एंड अलग अलग आपके क्या कहते हैं, स्नेक्स, बहुत सारे लिजर्ड्स आपको हॉट क्लाइमेट में दिखेंगे. इफ आई टॉक अबाउट योर वेट, तो वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं. एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मंकीज, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एलिफेंट, सब आता है आपके, जिसकी हम अभी बात करेंगे. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर हिमालय एरिया, जो आपका माउंटेन रीजन है, वी हैव योर लेपर्ड, फॉक्स, बहुत सारे आपके एनिमल्स वहाँ पर ही पाए जाते हैं, योर मस्क डियर. ठीक है, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट साउथ रीजन, तो साउथ में भी आपको एलिफेंट्स दिख जाते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एज वेल. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अडेप्टेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स दैट यू नो दे अडेप्ट टू अ पर्टिकुलर हैबिटैट. ना हैबिटैट आपके सिंस बहुत सारे हैं, आपके हैबिटैट बहुत सारे हैं. यू हैव योर डेजर्ट, यू हैव योर, आई एम सो सॉरी अबाउट माई राइटिंग. ठीक है, सो यू हैव योर डेजर्ट, देन यू हैव योर माउंटेन रीजन, देन यू हैव योर वाटर बॉडीज, आई मीन कोस्टल रीजन्स भी होते हैं आपके आसपास. ठीक है, बट मेन कैटेगरी आपकी होगी डेजर्ट, माउंटेन्स एंड व्हाट यू कॉल टेरेस्ट्रियल. ठीक, और यू कैन से लैंड, वेट, टेरेस्ट्रियल एंड वाटर बॉडीज, राइट. एक्वेटिक, यू हैव योर एक्वेटिक एंड जितनी भी लैंड सर्फेसेज हैं, जितनी भी, दैट कैन बी टेरेस्ट्रियल, दैट कैन बी एनी थिंग, मतलब सॉइल की भी हो सकती है, कुछ भी, उसके अंडर कुछ भी आ सकता है लैंड. ठीक है, तो डेजर्ट, माउंटेन, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल के अंडर आपका जो भी है, लैंड का जितना भी सर्फेस है वो सब आ जाता है. ओके, सो लाइक आई सेड, डेजर्ट, माउंटेन, एक्वेटिक एंड लैंड सर्फेस, दीज आर द हैबिटेट. एंड इसमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको दिखेंगे. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट अडेप्टेशन, तो अडेप्टेशन का मीनिंग ये होता है कि सम ऑर्गेनिज्म या सम एनिमल इज अडेप्टिंग टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट टू सर्वाइव देयर.
ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर फीचर आ रहा है टू सर्वाइव देयर. इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रीम लाइंड बॉडी ऑफ फिश, तो क्योंकि उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट में जीना है, सो दे विल हैव द स्ट्रीम लाइंड बॉडी. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, एंड दे हैव बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट दे आर लिविंग इन. ठीक है, दे हैबिट, अगर मैं अडेप्टेशन की और एग्जाम्पल्स दूँ, वी हैव योर लॉन्ग नेक्स ऑफ जिराफ्स, वी हैव योर बड़े बड़े टीथ ऑफ कार्निवोर्स. ठीक है, दीज आर द फीचर्स दे हैव, दे हैव पर्टिकुलर फीचर्स फॉर द सर्वाइवल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, दीज आर नोन एज योर अडेप्टेशन. लॉन्ग नेक्स क्यों होते जिराफ के? सो दैट दे कैन रीच टू अ टॉलर ट्री. ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अडेप्टेशन, से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है आपका अडेप्टेशन में. अडेप्टेशन आर ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, अडेप्टेशन आर ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, अडेप्टेशन ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, लाइक स्किन कलर शेप बॉडी कवरिंग. ओके, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में आता है जैसे कि कोई कलर चेंज कर ले, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कमेलियन, तो कमेलियन कलर चेंज करता है व्हेन इट्स नर्वस, या आपके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, व्हेन इट्स ट्राइंग टू यू नो हाइड फ्रॉम अ प्रीडेटर और ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, तो दे आर चेंजिंग द कलर्स, उनके नर्वस सिस्टम से मैसेज जाता है एंड दे चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन. सो कमेलियन जैसे चेंज कर रहा है कलर, इट इज़ ड्यू टू द एनवायरमेंट, और उनके एनवायरमेंट का रिस्पॉन्स है वो थ्रू चेंजिंग द कलर, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर कलर, दे चेंजिंग देयर बॉडी कवरिंग, कई कुछ एनिमल्स तो पूरी बॉडी भी अपनी नई स्किन कर लेते हैं, राइट? सो बॉडी कवरिंग, शेप, कलर, स्किन अगर चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो अडेप्टेशन है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. दैट मीन्स वो कौन सी अडेप्टेशन है आपकी? स्ट्रक्चरल. दैट विल बी अ स्पेसिफिक पॉइंट की कौन सी अडेप्टेशन है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. सेकेंड इज योर बिहेवियर अडेप्टेशन, सेकेंड इज योर बिहेवियर वाला अडेप्टेशन. इफ आई टॉक अबाउट बिहेवियर वाला अडेप्टेशन, देन आई एम सेइंग कि बिहेवियर वाला होता है कि कैसे हैबिटेट में बिहेवियर चेंज हो रहा है उनका, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट मीन्स एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स के बेसिस पे. फ्रॉग्स बियर हाइबरनेशन में जाना, यहाँ पर लिखा है आपको हाइबरनेशन, ये बिहेवियर में आता है, दिस इज समथिंग, ये फीचर में नहीं है आपके उनके. जैसे कि आप बोल रहे हो टर्टल्स की अगर मैं बात करती हूँ या फ्रॉग्स की बात करती हूँ, दे गो अंडर हाइबरनेशन इन विंटर सीजन, वो हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं इन विंटर सीजन. सो दे गो इन टू हाइबरनेशन स्टेट, दैट मीन्स दे गो इन टू स्लीप मोड. ठीक है, बिल्कुल कम एनर्जी खर्च करना, कम खाना, सिंस एनर्जी कम खर्च कर रहे हैं तो उन्हें खाने की जरूरत भी उतनी कम पड़ती है. ठीक है, सो कम एनर्जी खर्च करना, कम एक्टिविटीज करना, एंड थोड़ा लो लाइफ जीना, ठीक है, मोस्टली सोना दिन में, दैट इज नोन एज हाइबरनेशन. उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन, दैट इज योर हाइबरनेशन इन विंटर सीजन. सो ये कब होता है आपका? ये जो भी आपके रेप्टाइल्स है, जो भी शो कर रहा है हाइबरनेशन स्टेट, इज दैट इज मोस्टली इन विंटर सीजन. ठीक है, एंड ये एक बिहेवियर वाला कैरेक्टर है कि वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं, ये इन्हें एक्वायर नहीं कर, अलग से फीचर नहीं एक्वायर करा है. तो कमेलियन का क्या था? कमेलियन का स्किन अंदर से चेंज हो रही है, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम है ऑलरेडी, मतलब वो चीज़ इनबिल्ट है उनकी बॉडी के अंदर. दिस इज समथिंग बिहेवियर से रिलेटेड है कि वो बिहेव कैसे कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में. That is your behavior adaptation. ठीक है, ओके. If I talk about physiological adaptation, that means जैसे कि हम warm body में आते हैं, आपकी birds warm body में हैं, तो हम कैसे अपने आप को temperature से बचा रहे हैं? जैसे कि हम भी adapt हो रहे हैं धीरे धीरे. मान लेते हैं मैं जिस area में थी, यहाँ पर originally इतना temperature नहीं हुआ करता था, मान लेते हैं पहले सिर्फ 40 degrees तक पहुँचता था, आजकल क्या हो रहा है 45 चल जाता है, 46 जा रहा है, बहुत टेम्परेचर रीच कर रहा है आजकल, जो पीक आती है. हम फिर भी अडेप्ट हो रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग एसी या कुछ भी हम इन्वेंशन कर रहे हैं, वी आर अडेप्टिंग टू दैट एनवायरनमेंट. सो दैट इज ए फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, ट्राइंग टू एडजस्ट, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन.
बिहेवियर वाला, हाइबरनेशन वाला हमने बताया आपको, स्ट्रक्चर वाला मैंने आपको बताया, जो अंदर से है, जो अंदर से चीज़ें होती हैं, ठीक है, लाइक स्ट्रीम लाइन बॉडी, चेंजिंग ऑफ द स्किन कलर, बॉडी कवरिंग, दैट इज योर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है, वो खुद से नहीं लेके आ रहे, बट या जनरेशन के थ्रू चीज़ें चेंज हो सकती है, एवोल्यूशन हो सकता है बाद में, कि एकदम से तो नहीं ला सकते कि पर्टिकुलर एक में आ गया फिर अपने सडन अडेप्टेशन देख ली, नहीं, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में जनरेशन में वो चीज़ आगे चेंज हो सकती है, ठीक है, सडनली नहीं आ सकती, लाइक बिहेवियर वाला आ सकता है बट सडन नहीं होता इतना. सो लेट्स सी कि जैसे आप कमेलियन का देख सकते हो, दे आर चेंजिंग द कलर अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, वेदर दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, डरा रहे हैं प्रीडेटर्स को, वेदर दे आर नर्वस और एनीथिंग, और दे आर लाइक डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो दे चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है, ओके. सो येस, द पोलर रीजन, इफ आई टॉक अबाउट पोलर रीजन, तो हम सबको पता है कि पोलर पोल्स के आसपास जो आपकी कंट्रीज हैं लाइक कैनेडा एंड व्हाट एल्स यू हैव, रशिया, दे हैव वेरी लो टेम्परेचर, माइनस में भी जाता है मोस्टली, जो ठंडे इलाके हैं वो वहीं पाए जाएंगे आपके, ठीक है, आइसलैंड, आई मीन ग्रासलैंड, दीज आर ऑल दी पोलर रीजन इनको बोले जाते हैं, जो कंट्रीज आसपास पाई जाती है. इफ आई टॉक अबाउट इक्वेटर के आसपास, लाइक वी आर अराउंड इट, एंड आपका जितनी भी मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब क्या है, इक्वेटर के पास है, इसलिए हम गर्म है, ब्राज़ील, ठीक है, दीज आर योर नियर द इक्वेटर्स, नॉट नियर द पोल्स. जो भी पोल्स के आसपास होता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो ठंडे ही होते हैं. What can I see in the polar region? The polar region is the coldest place on earth, and can you spot the animals that make these freezing lands their home? So, if freezing lands ko kaun apna ghar banata hai? We can see some penguins, we can see seal, we can see whale, we can see all the polar bears. These are all the animals that you can find near the polar region. So, wahin par survive, isliye unne adapt kar liya us habitat ko, isliye wahi survive kar sakte. Agar main kisi animal ko इस रीजन से सीधे पोलर रीजन में भेज दूं तो वो नहीं अडेप्ट कर पाएंगे सडनली, वो इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, वहाँ टिक नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतने ठंडे माइनस टेम्परेचर में. इसलिए जब हम एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, इसलिए होता है कि वो अडेप्टेड है उस रीजन में, ठीक है, ओके. सो पोलर रीजन शो एक्सट्रीमली कोल्डर क्लाइमेट विच इज कवर्ड विद स्नो, रिमेन कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर. And in this region, the sun does not set for 6 months and even does not rise for about 6 months. So, mostly temperature minus में ही रहता है इनकी polar regions में, ठीक है. और यहाँ पर sunlight, जैसे मैंने आपको पहले बताया, poles में बहुत कम intensity की sun rays पहुँचती है because of the longer distance between the sun and that part of the earth, ठीक है. Coldest region ever, like I said, जितने regions आपके poles के आसपास है वही आपके coldest भी होंगे. Since we have a list of coldest places, so let me tell you two of them. So Yakutsk आपके जो रशिया में है, ठीक है, ये place बहुत ठंडी है, ठीक है, and no other place on earth experiences this temperature extreme. बहुत ही ठंडा है, and it is a capital city, and also ये बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं यहाँ पर, लाइक बहुत ही ज़्यादा ठंडा. सेकेंड प्लेस इज योर ओमाइकॉन, दैट इज अ प्लेस जहाँ पर -67 degrees भी जा चुका है, -67 degrees जा चुका है आपका, एंड यहाँ पर भी आपको एनिमल्स दिखेंगे बट इतने लो टेम्परेचर में अगर कोई यहाँ पर इंसान रह भी रहा है तो बहुत कम इंसान रहता है. अगर ठंडे प्लेसेस में आपको कोई ह्यूमन दिखता भी है तो बहुत कम होंगी फैमिलीज, इतनी फैमिलीज वहाँ पर नहीं स्टे कर सकती. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मेरे को बोलोगे कि आप कोल्डेस्ट रीजन में जाके एक बार ट्राई करो, आई डोंट थिंक मैं सर्वाइव इतना ज़्यादा कर पाऊँगी. मेरे को फीवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे हाथ पे ठंडर बढ़ सकते हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है मुझे, एंड हाइपोथर्मिया हो सकता है ठंडी के वजह से. सो आई डोंट थिंक सो मैं सर्वाइव कर पाऊँगी सडनली मेरी बॉडी एक वार्म क्लाइमेट से अगर बिल्कुल कोल्डेस्ट रीजन में चल जाए अर्थ के, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अडेप्टेशन पोलर बियर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर एनिमल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं, सो दैट वी नो कि अडेप्टेशन डिटेल में हो क्या रहेगा, ठीक है. अडेप्टेशन इन पोलर बियर्स, इफ आई टॉक अबाउट योर पोलर बियर्स, एज यू कैन सी बिहाइंड, दे हैव वेरी ह्यूज जॉस, दे हैव अ फरी कोट, पूरी अपनी स्किन उनके फर की होती है, फैट स्किन लेयर होती है फर के पीछे, एंड दे हैव पर्टिकुलर टीथ, एंड वो ऐसे ही सर्वाइव करते हैं.
बाय वॉकिंग 4 feet पूरे अपने चारों हाथ पैर यूज करते. नाउ देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ थिक कोट ऑफ वाइट फर एज यू कैन सी. इट हेल्प्स देम टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग स्नो. ऑल्सो देयर कलर इज समवट वाइट एंड क्रीमिश सो दे यू नो ब्लेंड विद द एनवायरमेंट ईजी. ओके सो दे कैन नॉट बी नोटिस बाय देयर प्रीडेटर्स. जो भी उनके खाने वाले हैं प्रीडेटर्स उन्हें भी पहचाने में तो टाइम लगेगा. इफ आई एम वॉकिंग ऑन द स्नो, अगर सामने पोलर बेयर बहुत दूर से पोलर बेयर देखूंगी ना थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें डिटेक्ट करने में, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वाइट और आपके आसपास भी थोड़ा वाइट नेचर की वजह से आपकी आंखों को टाइम लगेगा डिटेक्ट करने में कोई चीज़ जो ऑलरेडी वाइट है. दे हैव अ फर थिक कोट ऑफ फैट. फैट होता है इनकी, जो आपको फर दिख रहा है ना उसके नीचे एक फैट स्किन भी होती है उनकी, जिससे वो अपनी जो सर्दी होती है इतनी ज़्यादा जो उनका लो टेम्परेचर होता है हैबिटेट में वो बचाता है. ये जो फैट स्किन और फर है ना वो उन्हें बचाता है ठंडियों से. लाइक यू हैव सीन कि हम भी बहुत फरी कोट्स होते हैं हमारे में भी क्लोथ्स, विंटर सीजन के जो क्लोथ्स होते हैं हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं सो दैट सर्दी से हम बचे रहे, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर हो ठंडा ना पड़े, हीट बाहर ना जाए, जो बॉडी की टेम्परेचर है आपका जो बॉडी की हीट है वो अंदर ही ट्रैप रहे, सो दैट हम वूल इसलिए पहनते हैं विंटर सीजन में बिकॉज वूल इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो हीट को बाहर जाने नहीं देता, कंडक्ट करने नहीं देता सो दैट आपकी हीट जाए ना. हम सबको पता है कि हीट हमेशा हायर रीजन हॉटर रीजन से लोअर रीजन में जाती है, दैट इज कोल्डर रीजन. हमेशा आपकी हीट कैसे ट्रैवल करती है, हॉट से कोल्डर रीजन में. तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो हॉट बॉडी है हमारा जो टेम्परेचर है वो उसका हीट बाहर जाए सर्दियों के टाइम पे बिकॉज सराउंडिंग्स काफ़ी ठंडी है. सिंपल सी बात है, विल वे समथिंग इंसुलेटर टाइप जो हीट को हमारी बॉडी हीट को बाहर जाने ना दे. तो इसीलिए हम भी ऐसे ही पहनते हैं, हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं. ऐसे ही उनकी जो फर ऑलरेडी इनबिल्ट फर है उनके वो हेल्प करते हैं उन्हें सर्दी से बचाने में, और उन फर के नीचे एक फैट स्किन है वो और बचाती है उन्हें अंदर की हीट उनकी बची रहे और वो ठंडे ना पड़े इतने कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, पोल्स के आसपास. सेकेंड इज दे आर वेरी गुड स्विमर्स ऑल्सो एंड विच हैज़ अ वाइड एंड लार्ज पॉज दैट हेल्प देम टू स्विम. दे हैव लार्ज पॉज सो जब वो स्विमिंग करते हैं तो ठंडे बर्फीले पानी में तो उन्हें वो पॉज हेल्प करते हैं टू स्विम एंड वॉक ईजली ऑन द स्नो. नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू वॉक ऑन द स्नो आई वुड प्रेफर समथिंग जिसका सर्फेस एरिया ज़्यादा हो. लाइक इफ आई प्रेफर समथिंग जो बूट्स होते हैं आपके, बूट्स में काफ़ी सर्फेस एरिया होता है, नॉट समथिंग विद द हील्स. अगर मैं हील्स पहनूंगी तो हील्स का क्या होता है, सर्फेस एरिया यहाँ पर बहुत कम हो जाता है. जितना कम एरिया होता है उतना आपको प्रेशर फील होता है बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो जितना प्रेशर आप कम करोगे, जितना आप एरिया कम करोगे, जितना आप एरिया को कम करोगे, लाइक हील्स में लड़कियों की हील्स में बहुत कम एरिया होता है, इतना सा टच कर रहा होता है. दैट मीन्स अगर आप एरिया गिराते हो तो आपका प्रेशर उल्टा इंक्रीज होता है. दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है. जितना आप एरिया घटाते हो उतना आपको प्रेशर फील होगा क्योंकि सारा का सारा प्रेशर उस एरिया पे आता है. फिर अगर आप सरफेस एरिया वाले बूट्स पहनोगे या शूज़ पहनोगे आपको कम तकलीफ होगी चलने में क्योंकि आपका इतना बड़ा सरफेस प्रेशर ले रहा है. तो प्रेशर इक्वली हर एरिया पे पड़ता है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट हील्स तो सिर्फ प्रेशर यहीं पड़ेगा, ठीक है. जितना आप एरिया बढ़ाओगे, सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना आपको कम प्रेशर फील होता है. तो अगर इफ़ आई वॉन्ट टू वॉक ऑन द स्नो तो मैं सरफेस एरिया वाले शूज़ पहनूंगी, ठीक है. ऐसे उनके पाउज हेल्प करते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत दूर से सूंघ लेते हैं आराम से. तो कोई उनका प्रे भी होगा जिनको जो ये खाना चाहते हैं दे कैन ईजली सेंस दैट, ठीक है. उन्हें स्मेल आ जाती है बहुत जल्दी एंड दे हैव वेरी छोटे छोटे कान, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन और आगे बढ़ते हैं. द थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ लाइक आई टॉक्ड अबाउट दिस फैटी लेयर जो स्किन की है वो भी है. दे ऑल्सो स्टोर फूड इन विंटर एंड वेन दे फूड इज ये फूड बचा के रखते सो दैट जब भी विंटर सीजन में उनको फूड की कमी हो वो स्टोर्ड फूड खा सके. दिस स्टोर्ड फूड ऑल्सो हैज द मदर पोलर बेयर टू सर्वाइव इन द विंटर वेन दे अंडर गो हाइबरनेशन. लाइक आई सेड हाइबरनेशन वर्ड में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हाइबरनेशन इज अ स्टेट जब वो बहुत ज़्यादा सोते हैं एंड कम खाते हैं, कम एक्टिविटी करते हैं, दैट इज़ योर हाइबरनेशन, जो कि बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, नॉट ओनली पोलर बेयर्स. वी टॉक्ड अबाउट ऑल द रेप्टाइल्स ऑल्सो.
So polar bears to survive in the winter when they undergo hibernation, breathe the snow with their newborn cubs. जैसे ही वो हाइबरनेशन स्टेट में जाते हैं, सोते जाते हैं, तो ऑलरेडी फूड स्टोर करके रखते हैं, राइट. यू कैन सी एंट्स ऑल्सो ऐसी करती हैं. सो ये पूरा डायग्राम है आपका पोलर बेयर का. वाइट फर चेक, फैट स्किन चेक, टू थिक लेयर्स ऑफ फर, दिस कीप देम वार्म. एक ये वो है आपका एक तरह से माइंड मैप, ठीक है. इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट द कैच एंड प्रे. वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है. दे हैव लार्ज शार्प क्लॉज. सो ये जो आपके इनके पाउज, एक इन क्लॉज कह सकते हो आप, ये हेल्प करते टू वॉक ऑन द स्नो एंड टू स्विम ऑल्सो. तो दे आर वेरी गुड स्विमर्स ऑल्सो. एंड दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट स्किन. फैट क्या करता है, दे कीप देम वार्म, इंसुलेट करता है ताकि हीट बाहर ना जाए, एंड दे कीप देम वार्म, ठीक है. तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए अभी तक, कि दे हैव वेरी थिक स्किन, दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, दे हैव फैट स्किन बीनीथ द फर, ठीक है. एंड देन दे हैव योर क्लॉज, ठीक है, विच हेल्प्स देम टू वॉक ऑन स्नो एंड टू स्विम ऑल्सो. दे आर वेरी गुड स्विमर्स. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. तो वो अपने प्रेज को बहुत आराम से दूर से ढूंढ लेते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ पोलर बियर, ठीक है. हाउ दे अडेप्ट टू अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट. इफ आई टॉक अबाउट अडेप्टेशन इन पेंगुइन्स, सो पेंगुइन्स में क्या होता है कि आपके पेंगुइन्स में क्या होता है कि ये भी पोलर रीजन्स में मिलता है आपको. एंड दे हैव ब्लैक एंड वाइट कलर. यू कैन सी बिहाइंड योर पॉइंट्स, आपको वॉलपेपर दिख रहा होगा, दे येलो शर्म के नेक के आसपास. एंड दे हैव वाइट, ह्यूज वाइट पोर्शन एंड ब्लैक पोर्शन, राइट. सो पेंगुइन्स दे आर वेरी क्यूट एंड दे आर वाइट एंड ब्लैक इन कलर, विच मर्ज वेल विद द वाइट कलर. या वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से वाइट कलर उनको हेल्प करता है. बट दे ईजली डिटेक्टेबल इफ आई कंपेयर विद पोलर बेयर. पोलर बेयर फिर भी नहीं दिखता, ये दिख जाएंगे फिर भी. दे पोजेस अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फ्लिपर लाइक विंग्स होंगे उनके, वेब्ड फीट होंगे इनके बिल्कुल ऐसे, ठीक है. एंड इनके वो होते हैं, इनके विंग्स फ्लिप लाइक विंग्स होंगे. एंड दे हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी, ऐसी बॉडी उनकी स्ट्रीम लाइन. अगर आप बोट को सीधे खड़ा कर दो तो दे हैव लाइक दिस बॉडी, ठीक है. ओके, दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स लाइक योर पोलर बेयर्स. एंड दिस अडेप्टेशन हेल्प्स पेंगुइन टू कैच फिश एज प्रे. एंड दे लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर्स एंड हर्डल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ. ये इनको अगर गर्म रहना है, सिंस दे हैव सेम काइंड ऑफ फर तो नहीं होते इनके, बट इनके भी फैट स्किन और फर है हल्का सा. बट अगर इन्हें गर्म रहना है तो ये हर्डल्स में चलते हैं मोस्टली, साथ साथ जितनी जितने लोग होते हैं तो गर्मी भी होती है, उतनी उनकी हीट रिलीज भी होती है. तो उसी हिसाब से ज़्यादा लोग साथ में रहते हैं हर्डल में और उतनी ही वो गर्मी बचा पाते हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हैं माइग्रेशन की तरफ. माइग्रेशन इज़ अ टर्म बच्चा. माइग्रेशन इज अ टर्म वेन सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक योर बर्ड्स. अगर मैं फ्लाइंग क्रिएचर्स की बात करूँ, दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. और सीजन टू सीजन ये फ्लाई आपको माइग्रेशन दिखेगी. कुछ बर्ड्स आपको पर्टिकुलर सीजन में दिखते हैं आसपास, आपने नोटिस किया होगा, है ना. आपने देखा होगा रेनी सीजन के आसपास बर्ड्स चेंज होने लग जाते हैं आपके आसपास. एंड इफ यू सी समर सीजन में वो गायब हो जाएंगे. ऐसा क्यों? दिस इज नोन एज माइग्रेशन. एंड माइग्रेशन कैन हैपन. साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, दे माइग्रेट टूवर्ड्स अ वार्मर रीजन इन द ऑटम. ऑटम में वो गर्मी के इलाके में जाते हैं. सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं ये लोग. इतने फ्लाइंग क्रिएचर्स इतना किलोमीटर ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जस्ट टेम्परेचर झेल सकें. माइग्रेशन का रीजन क्या है? टेम्परेचर झेलना, ठीक है. सो दे ट्रैवल सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड दे आर सीन इन द भरतपुर, राजस्थान, सुल्तानपुर, हरियाणा एंड समटाइम्स इन द वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं बहुत सुंदर होती हैं. सो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं समटाइम्स ट्रैवल एज 15,000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर जाती है टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. अगर वो एक ही जगह रहेंगे, आप सबको पता है से यहाँ पर क्या हो रहा है, समर सीजन विंटर सीजन एक्सट्रीम चले जाता है कई बार. तो दे वॉन्ट टू चेंज द प्लेस. दे अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें प्लेस चेंज करनी पड़ती है. एंड दैट इज नोन एज माइग्रेशन. सो बर्ड्स का जो माइग्रेशन है, दीज बर्ड्स फ्लाई वेन विंड फ्लो इज हेल्पफुल. विंड उन्हें हेल्प करते हैं. एंड ऑल्सो जो फ्लाइट मसल्स होते हैं, आप सबको पता है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड हॉलो बोन्स. इसी वजह से वो अपने आप अपनी बॉडी वेट के साथ उड़ पाते हैं. एंड दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन. अब इन्हें कैसे पता चलता है मैम 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करके, हाउ डू दे नो कि कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या यहीं जाना है हमें? तो दे हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. कुछ बर्ड्स की तो सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है. कुछ लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं अर्थ की, जो भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा उसका,
ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, कईयों का खुद का सेंस होता है, कई लोग विंड का भी देखते हैं कि विंड किस तरफ फ्लो हो रही है, डायरेक्शन, कई लोग विंड डायरेक्शन भी देखती हैं। एंड बिसाइड्स बर्ड्स सम फिशेज ऑल्सो इंसेक्ट्स मैमल्स, जैसे कि मैंने बोला सिर्फ बर्ड्स नहीं बाकी भी माइग्रेट कर सकते हैं सीजनली इन सर्च ऑफ हॉस्पिटल क्लाइमेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉस्पिटल क्लाइमेट? हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स होते हैं जहाँ पर वो जी पाए, जहाँ पर अडैप्ट हो पाए, एक्सट्रीम कंडीशन कोई भी एनिमल नहीं झेल पाता, ठीक है, इसलिए माइग्रेशन होती है। ओके, एंड डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन में वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की वो यूज़ करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द हैबिटेट एंड द फर्स्ट वन इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन योर चैप्टर इट इज मेंशन कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे हैव अ पर्टिकुलर वेदर, इफ़ यू सी दे हैव अ पर्टिकुलर वेदर, उनका वेदर अलग सा ही होता है, आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी वाला होता है, थोड़ा सा ठंडा ही होगा, गर्मी वाला नहीं होगा ज़्यादा, एंड यू विल सी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, एंड अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको दिखते हैं, ट्रीज बहुत सारे होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो लेट्स सी सम ऑफ द फीचर्स। ह्यूमिडिटी आप देखोगे यहाँ पर लिखा है, इवन इन द कोल्डेस्ट रीजन इतना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, गर्मियों में टेम्परेचर इतना गर्म नहीं होता, मे क्रॉस 40 degrees पर उससे ज़्यादा नहीं, तो 15 to 40 degrees अराउंड 35 यू कैन टेक द एवरेज, वहाँ तक वेदर रहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है सिंस टेम्परेचर इतना वेरी नहीं कर रहा है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स, दे आर रिच इन वेजिटेशन, वेजिटेशन आपको बहुत सारी दिखेगी, एंड डाइवर्सिटी एनिमल्स की तो बहुत सारी होती है रेन फॉरेस्ट में। इन इंडिया जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, असम, यू कैन से असम में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, साउथ ईस्ट एशिया, और देन वी हैव सेंट्रल अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे ह्यूमिड क्लाइमेट वाले हैं, जिनमें भी रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है सारे ह्यूमिडिटी वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मुश्किल से 25 to 37 degrees Celsius से ऊपर नहीं जाता, और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल होती है उतनी, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है हवा में तो बारिश होगी। ओके, और यहाँ पर आपको एप्स, गोरिल्ला, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बहुत अलग टाइप के लिपर्स, लेजर्ड स्नेक्स, जो आपको डेजर्ट को भी देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको अलग टाइप के बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दिखेंगे। सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फाउंड इन दीज रीजन्स, लेट्स टॉक अबाउट दैम। अडेप्टेशन इन रेड आई फ्रॉग, दिस इज वन ऑफ द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो रेड आई वाला बड़ा अलग ही सा ही दिखता है फ्रॉग, इनकी लाल लाल आँखें होती हैं, एंड जैसे हमें डर लग जाता है ना इनकी लाल लाल आँखें देख के, ऐसे ही प्रीडेटर्स को भी डराते हैं अपने, जो भी इनके प्रीडेटर्स होते हैं जो उनको खाने वाले होते हैं उनको डराने का एक तरीका होता है, टू ओपन द आईज, एंड रेड आई एकदम से फ्लैश होती है, रेड वैसे भी बहुत डरावना सा कलर होता है उनका, एकदम से फ्लैश हो जाता है, इट इज़ वेरी ब्राइट, थिंग इज इनकी रेड आईज बिल्कुल फ्लैश हो जाती है, तो ऐसे वो प्रीडेटर्स को डरा पाते हैं, और उनके पास टाइम हो जाता है भागने का, ठीक है। सो द रेड आई फ्रॉग लिव्स ऑन द ट्रीज ओनली, एंड दे हैव स्टिकी पैड्स ताकि वो आराम से ट्रीज में चल पाए, दे आर वेरी स्टिकी पैड्स, एंड दे कैन क्लाइंब द ट्रीज थ्रू द स्टिकी वन, स्टिकी पैड्स यूज करके, एंड देन इट डज नॉट लिव इन वाटर एंड हैज अ ग्रीन बैक एंड क्रीमी अंडरसाइड। वाटर से कोई लेना नहीं है, फ्रॉग आपके कुछ वाटर के और लैंड के ऊपर रह जाते हैं, कुछ सिर्फ लैंड में रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि इट डज नॉट लिव इन वाटर, इट इज ओनली इन द लैंड सर्फेस। It has big and bulging bright red eyes as you can see, and it is a nocturnal. Nocturnal is somewhat word ka meaning hota active, like your owls are nocturnal in night, that means active, theek hai. Okay, it sleeps during the day and becomes active during the night. Raat ko zyada active hota hai aur din mein mostly so rahe hote hain, and feeds on insects present on the trees, aur inka khana hota insect, and bulging eye frog protect us from the predator, like I said कि रेड आईज का मेन फीचर है जो प्रीडेटर से बचाता है, ये इंसेक्ट्स खाते हैं, दे हैव स्टिकी पैड्स सो दैट दे कैन क्लाइम द ट्रीज, एंड दे स्लीप एट डे टाइम एंड दे आर मोर एक्टिव एट द नाइट टाइम, ठीक है। एंड या दे हैव क्रीमी अंडरसाइड, यू कैन सी इट स्टिकी लग रहा है वो बहुत। ओके, आगे बढ़ते हैं, अडेप्टेशन इन मंकीज। मंकी बहुत ज़्यादा उछलते हैं इधर से उधर ट्रीज, यू मस्ट हैव सीन देम जंपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, सो दे हैव क्लॉज, दे हैव उनकी फिंगर्स ही ऐसी होती हैं सो दैट दे कैन हैव अ ग्रिप ओवर द ट्रीज, अगर इतना लार्ज डिस्टेंस उन्हें जंप करना है, सो दे मस्ट हैव ऐसे फीचर्स जो उन्हें हेल्प करें, राइट।
सो द मंकीज लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव लॉन्ग टेल्स, लंबी टेल होती है, उसको भी वो यूज करते हैं फॉर द क्लाइंबिंग, एज यू कैन सी टेल्स और हाथ को सबको, एंड दे हैव देयर बेबीज बैक में और फ्रंट में कैरी करते हैं. ओके, their hands and feet are adapted in such a way that they can easily hold the branches, and the eyesight of monkeys is very good, which helps them in leaping between the branches to escape from their predators. बहुत fast ये अपने predators से भी बच जाते हैं through climbing, इधर से उधर climb करके, and they eat the insects, and ये तो कुछ भी खा लेते हैं monkeys. मैंने देखा आजकल ये हर type का खाना खा लेते हैं, and present in abundance in tropical rainforest में आपको दिखेंगे. Adaptation in lion and tigers. If I say adaptation in lion and tigers, they both are quite strong, and they are known as the big cats. And हम big cats. ऐसे कहते हैं cats की family से ये. And they are carnivores. Of course, they eat the flesh. ठीक है. And they survive in tropical rainforest. They have thick skin, thin skin color है उनका. You can see orangey color होता है उनका. And they have black stripes. If I talk about tiger, ठीक है. Okay. एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू मैच देयर सराउंडिंग इज कमेलियन बटरफ्लाई. उनकी स्किन ब्लेंड होने में काम, जो रेन को आप देखोगे जो ब्राउनिश कलर की ग्रास होती है उसमें ब्लेंड बहुत आराम से हो जाते हैं लोग, ठीक है. एंड एक टाइगर की ऐसी स्पीशीज भी है जो कलर भी ऐसा रखती है बिल्कुल सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है. एंड येस दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं दूर से, एंड दैट हेल्प्स देम टू लोकेट द प्रे. ये कार्निवोर्स है तो ये फ्लैश तो खाएंगे, तो ये जो भी इनके जो भी हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं, जो लोग जैसे डियर है जो सिर्फ हर्बीवोर्स हैं उन पे फीड करते हैं, एंड दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल सो दैट दे कैन ईजली ग्रैब देयर प्रे, एंड दे हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड्स विच इनेबल देम टू हैव अ करेक्ट आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ देयर प्रे. ऑफकोर्स दे हैव आईज, तो वो भी उन्हें हेल्प करती है. दीज आर ऑल द सेंसेस, ठीक है. तो यस दीज आर द फीचर्स. Adaptation in elephant is the last topic. So we have come to our last topic, that is adaptation in elements. Elephants, ये आपके ऐसे animals होते हैं, they have a long trunk. सबसे पहले जो noticeable चीज़ है that they have a long trunk. They have बड़े बड़े tooth front में, ठीक है. And that are known as tusk. जो long pointed teeth है उन्हें हम क्या कहते हैं, tusk. TUSKS, tusk. ठीक है. सो दे हैव लॉन्ग ट्रंक, दे हैव टस्क, दे हैव टीथ एज वेल, एंड या दे हैव फ्लैपी ईयर्स, एंड दे आर क्वाइट ह्यूज. इनका वेट टन्स में होता है, ठीक है. सो यस दे ऑल्सो लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड एज डिस्कस लॉन्ग ट्रंक, सो दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो, आराम से सूंघ लेते हैं, ग्रैब अपनी सूंघ से ये खाना लेते हैं और अपने मुँह में डालते हैं, ठीक है. सो ये बिल्कुल हाथ की तरह काम करती है इनकी सूंघ भी. And the long trunk is also used for breathing. Breathing के लिए भी trunk ही काम आता है. It can reach up to branches of trees and help. ये जो trunk है इसके बहुत सारे functions हैं. Breathing and trees से कोई fruit लेना है तो ये trunk use करते हैं. खाना खाना है तो trunk मुँह के अंदर लेने के लिए भी trunk को use करते हैं. तो बहुत सारे function के जो front part जो trunk है उसी से हो रहा है, ठीक है. Okay. Sucking the water from the lakes or your drinking तो काफ़ी काम आ रहा है. The elephant have tusks, like I said, for tearing the bark of the trees. अगर bark of the trees को उनको फाड़ना हो तो they use this tusk. The elephants has large ears that help him to hear even soft sound. They have audible range होती है सबके कानों की. हर एनिमल की अलग अलग audible range होगी frequency की, जो कि है उसका unit है frequency का hertz. Okay, frequency की unit होती है hertz और अलग अलग sound की frequencies होती है. हम हर frequency नहीं सुन सकते. Let me show you. पर टॉक अबाउट ह्यूमंस की बात अगर करूँ तो ह्यूमंस की जो रेंज होती है वो होती है 20 Hz से 20,000 Hz, या यू कैन से 20 MHz, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट योर बैट, तो बैट की 1 lakh तक चली जाती है हर्ट्स. वो अल्ट्रासाउंड भी सुन लेते हैं. जो भी चीज़ 20,000 से ऊपर होगी उसे हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड, और जो भी 20 Hz से नीचे होगी और 15-10 वो होगी इंफ्रासाउंड. तो हर किसी की अलग अलग रेंज है. डॉग्स की बहुत लंबी रेंज होती है इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है. कुछ साउंड उन्हें वो भी सुनाई देते होंगे जो हमें सुनाई नहीं देते. हमारी रेंज सिर्फ यही है. अगर कोई भी साउंड जो 20 Hz से नीचे है या 20,000 Hz से ऊपर है हमें नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, ठीक है. इंफ्रा या अल्ट्रासाउंड आपको नहीं सुनाई देती. व्हाट इज इंफ्रा, मैं यहाँ लिख देती हूँ.
below 20,000 hertz. Okay, and if I say ultra, above 20,000 hertz. So ये definition है. Okay. So like I was saying, humans or if I talk about elephants, elephants की range होगी 16, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, will be around 16,000. Yeah, 16 to 16,000 के से on average. ठीक है, तो इतनी रेंज होती है उनकी 16,000 के करीब. तो ये हमसे थोड़ा कम भी सुन लेते हैं, हमसे आराम से कम भी सुन लेते हैं, थोड़े से सॉफ्ट साउंड भी इनके कान में फ्रीक्वेंसी चली जाती है, हमारी 20 हर्ट्ज तक ही रहती है, उसके नीचे नहीं जा सकते हैं. तो ये थोड़ा सा नीचे का भी सुन लेते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. आई होप आपको आज समझ आया जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं. लेट मी टेल यू अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स. ये इतनी बढ़िया क्लासेस आप लाइव देख सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में with the comfort of your home. Unlimited access, you can watch as many times as you want. ठीक है, top educators in India के, you will get all the options for all the subjects and regular doubts clearing sessions होते हैं. You have exhaustive coverage syllabus, you have practice test, study material in PDF format, live test series, batch courses only in the plus subscription. The prices for plus subscription 3 months, 6 months हो, 12 months हो, no cost EMI है, don't worry. ठीक है, for all 6 to 12 category you can take it. You can see the prices also. And if you use my code SM Rana here, you will get 10% off. ठीक है, iconic में जो features हैं आपके थोड़े और बड़े हैं. Plus के साथ साथ इसमें और benefits हैं. Plus के benefits के साथ साथ you get personal mentor, live doubt solving, weekly report, parents का connection रहेगा iconic में, and study planning, all benefits of plus subscription. This is an iconic. एंड उसके प्राइस आप सबको दिख रहे हैं 12,000, 17,000, 28,000 फॉर 3, 6 इन 12 months, नो कॉस्ट EMI अगेन. एंड यू कैन यूज़ माई कोड SM Rana जो कि आप देख सकते हो टू गेट 10% ऑफ. माई कोड आई शुड राइट हेयर ताकि आपको दिख जाए. ओके, सो येस, थैंक यू सो मच. डू लाइक द वीडियो, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इन द कॉमेंट बॉक्स. शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स. थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट इन अनअकैडमी. बाय बाय.